दोस्तों मैंने अपने Redmi Note 5 Pro में इंस्टॉल किया है Samsung का लेटेस्ट एक्सपीरियंस UI और जो मुझे परफॉर्मेंस मिल रहे ना वो काफी कमाल की है और 150 में आगे आपको दिखाऊंगा ही। तो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग में और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये एक्सपीरियंस UI है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो अबाउट फोन में गैलेक्सी A6S से ये पोर्टेड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे गैलेक्सी A6S दिख रहा है। उसके साथ यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो स्टेटस और यहाँ पे आपको अपने फोन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके साथ गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे अपने Redmi Note 5 Pro में चलता है और जो परफॉर्मेंस मिलता है ना वो काफी कमाल का है। और इंस्टॉलेशन का वीडियो भी आगे रहेगा और इसके कुछ फीचर्स में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइज ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro के लिए, बहुत सारे रोम्स, कस्टम कर्नल्स, पोर्ट्स, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। दोस्तों मेरा नाम है मदन और आप देख रहे हैं मदन गायकवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बेसिक चीज है इसमें चलती ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे ड्यूअल OLT। तो यहाँ पे आप गाइज ऊपर के साइड में देख सकते हो आपको यहाँ पे ड्यूअल HD सिंबल देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ड्यूअल OLTE है, काफी अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायल करके भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें सैमसंग का फोन APK ही देखने को मिलता है। तो फर्स्ट सिम से कॉल करता हूँ, उसके साथ गाइज मैं सेकंड सिम से भी कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ड्यूअल OLTE का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो सैमसंग के एप्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि गैलेक्सी एप्स यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सैमसंग के वॉइस रिकॉर्डर, सैमसंग का फाइल मैनेजर जो सैमसंग की तरफ से आता है, तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सैमसंग की देखने को मिलेगी क्योंकि ये सैमसंग का खुद का UI है। उसके साथ यहाँ पे स्मार्ट मैनेजर मिलता है, क्लॉक, सैमसंग हेल्थ। तो उसके साथ गाइज यहाँ पे बात करते हैं सैमसंग के कैमरा की, तो कैमरा में थोड़ा सा इशू मुझे देखने को मिला जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको लाइव बोके इफेक्ट भी देखने को मिलता है और वो भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे लाइव फोकस ऑलवेज, और यहाँ पे देख सकते हो लाइव फोकस का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। पर यहाँ पे कुछ कैमरा में बग्स है, तो आप MIUI का स्टॉक कैमरा ऐप इस रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं, और कैमरा टू API इनेबल करके आप GCam भी इस रोम में आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ गाइज यहाँ पे बात करते हैं कुछ सैमसंग के सेटिंग्स की जो हमें अपने Redmi Note 5 Pro में अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पूरा इंटरफेस हमें सैमसंग के फोन जैसा ही दिख रहा है क्योंकि ये सैमसंग का खुद का UI है। तो यहाँ पे कनेक्शंस, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। डिस्प्ले में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, एडेप्टिव ब्राइटनेस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ब्लू लाइट फिल्टर भी देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे LED इंडिकेटर, स्टेटस बार में भी कुछ चीज़ आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, नेटवर्क इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं और कुछ, तो यहाँ पे थीम्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और ये थीम्स का भी ऑप्शन काफ़ी अच्छे से चलता है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद देख सकते हो कि हमारे फ़ोन की अब थीम चेंज होने वाली है। उसके साथ गाइज आपको सैमसंग के सभी रिंग टोंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में गाइज मैंने यहाँ पे फेस अनलॉक भी यहाँ पे रजिस्टर किया है, तो आपको इस रॉम में फेस अनलॉक भी अच्छे से देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे मैं आपको फिंगरप्रिंट का स्पीड भी दिखा देता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे टच अनलॉक, तो ये MIUI जैसे ही फास्ट है, इसमें कुछ इशू नहीं है फिंगरप्रिंट में। उसके साथ फेस अनलॉक की बात करते हैं, तो फेस अनलॉक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो ये अब कितने अच्छे से काम करेगा पता नहीं, पर यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से काम कर रहा है। सेटिंग में गाइज आपको एडवांस का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, और एडवांस में कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि स्मार्ट स्टे, सैमसंग का ऐप लॉक, गेमिंग मोड और वन हैंडेड मोड भी देखने को मिलता है, फिंगर सेंसर गेस्चर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसे कुछ फीचर्स भी आपको सैमसंग की तरफ से इस एडवांस फीचर में मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पे बात करते हैं और कुछ सेटिंग्स की, तो नीचे आपको अकाउंट एक्सेसिबिलिटी जनरल मैनेजमेंट में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अपना बैटरी सेक्शन, और उसके साथ यहाँ पे आपको मेमोरी का भी यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है कितना बचा है कितना नहीं, सिस्टम अपडेट्स भी आप देख सकते हो यहाँ से। और उसके साथ यहाँ पे और कुछ नहीं, और अबाउट फोन में यहाँ पे मैं आपको सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे दिखा देता हूँ,
सॉफ्टवेयर वर्जन, तो हमें अक्टूबर 1 का ही सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो उसके साथ गाइज यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस रॉम में। तो गाइज बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे लगभग आप अनटूटू बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे देख सकते हो, 1,29,830, मतलब लगभग 1,30,000 आपको देखने को मिलता है, जो यमाई यूआई से भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर है, और उसके हिसाब से गाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस भी काफ़ी कमाल का मिलता है। तो यहाँ पे मैं पर्सनली पबजी खेला हूँ लगभग 45 या 1 घंटे तक, तो आपको कोई भी पबजी में लैग देखने को नहीं मिलेगा। और गाइज अच्छी बात कि आप पबजी HD में इस रॉम में खेल सकते हो। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मैं पबजी सच में कितना टाइम तक खेला हूँ, और उसके बाद ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देख सकते हो आप 46 मिनट यहाँ पे पबजी खेला हूँ, काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला पबजी में, क्योंकि गाइज परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है इस रॉम का। बस अब बैटरी बैकअप चेक करना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा मिलता है, तो शायद बैटरी भी ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको पबजी के कुछ सेटिंग्स यहाँ पे दिखा दे कंट्रोल में, तो यहाँ पे सॉरी ग्राफिक्स में, तो यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस और HD का हमें देखने को मिलता है। उसके साथ मैं यहाँ पे HD कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सिलेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो उसके साथ हम HD में काफ़ी अच्छे से पबजी खेल सकते हैं। कोई भी मुझे फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे देखने को नहीं मिला, कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है, पर एक बार आप गेम में इंटर हो जाते हो और स्टेबल हो जाते हो, तो उसके बाद कोई भी फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलता है पबजी में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इस रॉम में आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके साथ गाइस बात करते हैं यहाँ पे बग्स की, तो पहला बग मुझे नज़र आया कैमरा में सेल्फी अच्छे से नहीं आती है, तो यहाँ पे मैंने ले ली थी, दिखा देता हूँ, कैमरा में सेल्फीज अच्छे से नहीं आते हैं, तो आप इसके बदले अपना MIUI का पोर्ट्रेट कैमरा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लेके रखे थे, तो यहाँ पे नहीं आ रहे, पर यहाँ पे कैमरा में थोड़ा सा इशू मुझे देखने को मिल रहा है फ्रंट कैमरा में, तो यहाँ पे धुंधली धुंधली फोटो आती है, क्लियर फोटोज नहीं आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरिटी आपको देखने को नहीं मिलती है, तो आप MIUI का कैमरा इसके बदले यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात करते हैं सेकंड बग्स की, तो यहाँ पे सेटिंग में गाइज एक यूजर मैनुअल एक ऑप्शन मिलता है, ये फोर स्टॉप्ड आ रहा है, इतना ही गाइज ये दो बग्स तो मुझे पर्सनली नजर आए, बाकी के मुझे फुल चेक करना पड़ेगा। और इस रॉम का फुल डिटेल में रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज वीडियो कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इंस्टॉलेशन का गाइज इस रॉम को आपको इंस्टॉल करना है तो आपके Redmi Note 5 Pro में TWRP रिकवरी चाहिए, TWRP रिकवरी Redmi Note 5 Pro में कैसे डालते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। उसके साथ गाइज TWRP में आने के बाद पहले आपको फुल सिस्टम का यहाँ पे बैकअप लेना है, इन फ्यूचर क्या भी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे बैकअप लेके रखा है। उसके बाद गाइज आपको वाइप में जाना है, वाइप में जो मैं चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ बस वही सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे स्वाइप टू वाइप करना है, और स्वाइप टू वाइप करने के बाद पूरा सिस्टम आपके फ़ोन से चला जाएगा। उसके बाद लिंक दे रहा हूँ सैमसंग के इस रॉम का, उसको डाउनलोड करके इंटरनल स्टोरेज में रखनी है, और इंस्टॉल में जाके इस रॉम फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही रॉम इंस्टॉल होती है पूरा, तो यहाँ पे बस आपको सिस्टम को एक अपने फ़ोन को रिबूट करना है, रिबूट करते ही फ़ोन यहाँ पे सैमसंग के रूम में बूट हो जाएगा। तो गाइज वीडियो कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।